वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको जैसे नान हम मार्केट में खाते हैं, बाजार में खाते हैं, बिल्कुल वैसे नान बनाना बताऊंगी, वो भी घर के सामान से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे नान हमारे बनकर तैयार हुई है। नान तो हम बहुत बार बनाते हैं लेकिन जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सही नहीं आता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल बाजार के जैसे नान बनाना बताऊंगी। ये देखिए बहुत अच्छे हमारे नान बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो हमारी नान बनी है, बिल्कुल देखिए। तो ये नान मैंने कैसे बनाई है तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 कप मैदा, और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून चाहिए हमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून हमें चाहिएगा बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हमें चाहिएगा नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है मोटी वाली शक्कर, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है सूजी, और 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है दही, 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है तेल। अब बारी आती है हमारे एक सीक्रेट की, एक ऐसा सीक्रेट जो कि मैं आपको बताऊं कि जिससे कि हम जो नान बनाएंगे ना बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेगी। तो हमने जो सूजी और दही लिया है इन दोनों को पहले हम मिक्स करेंगे। तो एक खाली बाउल लिया है, उसमें हम डालेंगे सूजी और हम डालेंगे दही और दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। सूजी डालने से हमारे नान बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेगी, और हमने इसमें दही डाला है, दही से भी जो है हमारे नान बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। सूजी डालने से नान जो है हमारी फूलेगी, तो इस तरह हमें इसको मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको अब हम रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप गर्म दूध लिया है, इसको अब हम डालेंगे। दूध हमें तेज गर्म ही चाहिए, और हमने 1 टीस्पून शक्कर लिया वो भी इसमें हम ऐड करेंगे, और दोनों को है हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी जो है अच्छी तरह से इसमें गल जानी चाहिए, तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम चलाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें गल जाए। बिल्कुल हमें तेज गर्म दूध चाहिए नान बनाने के लिए, ये हमारा खास पॉइंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, दूध बिल्कुल तेज गर्म ही लेना है हमें। तो चलिए शक्कर जो है गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें नान का डो लगाना है, तो मैंने यहाँ पर ये मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान के हमें लेना है। मैदा में हमारी सारी सूखी सामग्री हम डाल देते हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक। अब जो हमने दही का मिश्रण तैयार किया है ना, इसमें अब हम तेल मिक्स करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह हमें इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। सूजी जो हमारी फूल गई है आप देख सकते हैं। अभी सूजी वाला बैटर भी हम इसमें डाल देते हैं और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमारा ये गरम दूध है वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, और हमें इसका डो लगाना है, हमें इसका सॉफ्ट डो ही लगाना है। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का हमें इसका डो लगाना है, ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ज्यादा लूज भी नहीं रखना है, इस तरह का आप देख सकते हैं मैंने ये जो डो लगाया है। तो 10 मिनट के लिए इसको अब हम ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो प्लेट को अब हम हटा लेंगे और डो को अच्छे तरह से हम एक बार और सेट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको इस तरह सेट करना है, 3 से 4 मिनट तक जो है हम इसको इस तरह सेट करेंगे। बिल्कुल देखिए हमारा डो इस तरह होना चाहिए, ये देखिए इस तरह लचीलापन इसमें आना चाहिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का हमारा डो तैयार होना चाहिए। अब हम इसकी लोइया बना लेते हैं, थोड़ी सी हमें बड़ी ही लोई बनानी होती है नान बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लोइया बना लूंगी,
इस तरह आप देख सकते हैं 6 लोइयां हमारी बनकर तैयार हुई है। अब एक लोई हम उठाएंगे और इसको गोल गोल करेंगे हम इस तरह अच्छे तरह से। हमें इसको दबा दबा के और बिल्कुल जो है राउंड शेप में इसके हमें एक बोल बनानी है। इस तरह हमें सभी लोइयों को कर लेंगे। सारी बोल्स हमने बना ली है, अब इन्हें हम गीले कपड़े से ढकेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक गीला व्हाइट कपड़ा लिया है, तो सारी नान को जो है हम इस गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम एक लोई लेंगे, बाकी को हम ढक के ही रखेंगे। अब है हमारा सबसे मेन स्टेप जो कि हमें करना है। एक बाउल में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, और पानी और नमक को हम कर लेंगे मिक्स। तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। अब मैंने चकला बेलन लिया है, तो जो नान हमने ली थी उसको हम बेलेंगे। थोड़ा सा लिया है हमने मैदा, तो हल्का सा हमें बोल पे मैदा लगाना है। ध्यान रखना ज्यादा नहीं लगाना, कम ही लगाना है। इसको अब हमें बेलना है। आप चाहे तो लंबा बेल सकते हैं, आप चाहे तो गोल बेल सकते हैं। एक खास टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हम इनको बेलेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हमें कॉर्नर से ही बेलना है। बीच से जो है हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, मोटा ही रहने देना है। तो इस तरह हमें इसको बेलना है। तो इसको अब हम बेल लेते हैं। नान हमेशा मोटी ही होती है, ज्यादा पतली नहीं होती है, तो मैं इसको लंबा ही बेलूंगी, गोल नहीं बेल रही हूँ। और मैदा जो है वो खिंचता है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा ही बेलना है, क्योंकि जब हम उसको उठाएंगे तो वापस छोटा हो जाता है। तो थोड़ा हम लंबा ही बेलें उसको। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है कलौंजी, इसे हम काला जीरा भी बोलते हैं, और थोड़ा सा साफ किया मैंने लिया है हरा धनिया। इसको धोकर साफ कर लिया है, बारीक कट कर लिया है। तो ये जो कलौंजी ली है वो हम नान पे लगाएंगे, और हरा धनिया भी अब हम लगा लेते हैं। वो कलौंजी भी हमने लगा ली है। तो इसको हम एक बार बेलन से बेल लेते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए और निकले नहीं जब हम सेकेंगे तब। इस तरह हमें सारी नान बनानी है। जब ये सिकती जाएगी तब हम दूसरी बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो गैस पर मैंने तवा रख दिया है, गैस को फुल फ्लेम पे रखा है। गैस को हमें फुल फ्लेम पे ही रखना है, कम नहीं करना है। तो अब मैंने इस तरह नान को उठा लिया है, इसके जो पीछे की साइड है इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि जो है नान अच्छे से हमारे चिपक जाए पानी में, इस तरह। तो अब हम नान को रख देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। आप देख सकते हैं इसमें जो है बबल्स उठने लग गए हैं, इससे जो है नान में हवा अच्छी भर गई है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे और इस तरह हम इसको सेकेंगे। इस तरह हमें इसको सेकना है। बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो इस तरह हम इस नान को उठा लेते हैं। और हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नान हमारी सिकी है। और कम फ्लेम पे हम इसको सिकने देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नान जो हमारी सिक कर तैयार हो गई है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी नान हमारी सिक कर तैयार हो गई है। इस तरह हमें नान को सेकना है। तो अब हम इस पे बटर या घी लगा देते हैं। अब सबसे एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि बटर या घी हम जो भी लगाएंगे तवे पे हम नहीं लगाएंगे। तो नान को हम नीचे उतार लेते हैं, फिर हमें जो लगाना है वो हम लगाएंगे, क्योंकि तवे पे जरा सी भी चिकनाई आ गई ना तो नान आपकी सही नहीं बनेगी और न ही चिपकेगी। तो नान को प्लेट में रख लेते हैं। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी लगाऊंगी। मुंह में पानी आ रहा है, अब तो रुकने की इच्छा भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है नान हमारी बनकर तैयार हुई है। नान बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वो थोड़ा नरम ही लगाना है, सख्त नहीं लगाना है। दूसरी बात, जब हम इसको तवे पे सेकेंगे तो तवा जो है बिल्कुल साफ धुला हुआ होना चाहिए, तभी नान तवे पे अच्छे से चिपकेगी।
और जब हम इसको तवे पे डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है, जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाते तब तक हमें इसको फुल फ्लेम पे ही सेकना है। बहुत ही अच्छी नान बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसको देखने से कोई नहीं कह सकता कि ये नान जो है तंदूर या ओवन की नहीं है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल की हमारी नान बनकर तैयार हुई है। जो हम बाजार में खाते हैं बिल्कुल वैसी नान बनी है। आप चाहे तंदूर में बनो, ओवन में बनो, या प्रेशर कुकर में बनो, किसी में भी बनो, लेकिन जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट हमारा आना चाहिए। इस तरह आप घर पर नान बनाएं और इसको दाल मखनी, दाल फ्राई या फिर मटर पनीर की सब्जी, जो सब्जी आपको पसंद है उनके साथ सर्व करें। तो भाई मैंने तो आज दाल मखनी बनाई है, आप क्या बना रहे हैं जरूर मुझे बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।